आज 26 अगस्त 2022 है। सुबह आपने देखा कहाँ गए भुवन सिंह के यहाँ गए, खाद पानी लगवाए हैं, इन लोगों ने सम्मान किया। वहाँ से जैसे घर में आए हैं कि पानी चालू हुआ, क्यों चालू की बात है ना, हाँ। है घर में अंदर आए कि पानी भयंकर शुरू हो गया, रास्ते में ही बरसने लगा, मगर घर आने ज्यादा तेज गिरने लगा। हाँ, यहाँ देखो, ये यहाँ से पानी भर रहा था, इधर देखो। अब हमारी आदत, कोई अगर फॉल्ट है फिर हमको नहीं कि हम भीगेंगे, कि हम भूखे हैं, कि हम मरेंगे, कोई चिंता नहीं, भूल होना चाहिए। लग गए, इतना सबीचा निकाला, वहाँ जाम पड़ा था, अब क्योंकि बारिश हो रही है तो वहाँ कैसे दिखाएंगे, तो सबीचा निकाला है तो मिट्टी से सना हुआ। एक घंटे जब से आए हैं, आधा घंटा पौन घंटा हुआ, ये भोजन भी किए, भोजन कर चुके। हमारी बेटी जी का खाना पीना, हम काम आ रहे हैं नहाने के लिए, अंदर दिया और अंगूठा रखा सामने, उसके बाद में काम में लग गया। अब यहाँ पानी रुका, वहाँ पानी रुका, वहाँ पानी रुका, अब वहीं पर देखा वहाँ थोड़ा पानी रुक रहा है, यहीं से खड़े हो जाओ, नीचे में छिटकी आई, बस बस जाके बाहर मत आओ, वहाँ पानी रुका है ना किनारे, हाँ है ना, वहाँ देखिए तो महंगे महंगे पेड़ हैं। तो अब उसके बाद में तुम खाना खा चुके हो तो वही लगा के उस प्लास्टिक वाला है तो हम अपने काम पर चले जाओ, है ना, वहीं पर ही आराम से कर डालो। जब लगाओ ईंटा तो सीधा उधर देख लिया करो, एक ईंटा बाहर ना हो ना अंदर हो। वही मैं कहे, आप कहे ना जो दीवार है वही बराबर चलना है, तो कहीं कम है कहीं ज्यादा, हम वही हिसाब चल रहे हैं। नहीं नहीं, जो ईंटा जब फेस है, हाँ, वो ईंटा अगर कम है कोई और कोई एक दो तीन बराबर है, हाँ, तो जो बराबर है वही फेस ले लिया करो। तो फिर जो अंदर चुनाई है ना बाबा, हाँ, जो अंदर वाला है वो अंदर चाहे मैं तो थोड़ो बाहर निकल पाई, हाँ, वह तो फिर अंदर ही रहे ना, तो इतना इतना खाली फर्क है, उतने में कौन ईटा लगाएंगे, इतना सिर्फ है, इतना इतना वहाँ मिट्टी ही भर गए, समझ गए, हाँ मिट्टी भर सके थे, मिट्टी भर दो, जब गड्ढी गड्ढा है तो हाँ वो तो लगा खाली है ना, तो ठीक है। अभी आपने सब नमूना देखा, अब बिटिया ना आया, ओ 85 साल की उम्र है और ऐसा है और मरे लगी हो, तो अपने घर लोग बोलते हैं, इस क्या बतावे, समाज को हम कितनी गाली दें तो कम है, ये अंधों को दिखाई नहीं पड़ता। हम सिखा रहे हैं 85 साल की उम्र में भी न कोई रोग है, न कोई दिक्कत है, इसलिए कि मैं नेचुरोपैथ के हिसाब से चलता हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा, पेट साफ नहीं हुआ तो खाना पीना बंद करो, नींबू का पानी देते रहो, खाली सब्जी खाते रहो, उबली हुई सब्जी खाओ, एक हफ्ता करके देखो, न बुखार न खांसी, रोज सुबह नींबू आप पिए, एक नींबू डेढ़ नींबू रोज पिए, मैं पी रहा हूँ, तो न हमारे जुकाम है, न हमारे बुखार है, न होगा अबे बुखार। जहाँ हम खाए पिए हो ये जग भरी या पूड़ी या पुआ, और भगवान की आज छठी है, बिटिया रानी ने कहा कहीं जरा छिलका ले ले, अरे कोई जरूरी है, भगवान की छठी, भगवान की छठी है, फरहार करो है। तो कुल मिला के एक एक चीज मैं दिखाता हूँ, किस तरह मैंने सौत का काट के पानी निकाला है। अरे कुछ तो लोगों शर्म करो, कुछ तो हाया शर्म है आपको, है इसीलिए मैं कहता हूँ, तुम कोई भी हो खाली मुकाबला करो, वहाँ चुप लगाते हो, जनता जो है अरे वहाँ लग, आज कल की हालत देखा है, जिस घर से हम लोग आए हैं, क्या अगर दोबारा जाना पड़ेगा कभी जाओगे दोबारा, उसमें गाड़ी ही नहीं निकलेगी, इसे लोड गाड़ी जितनी है, हाँ, निकल नहीं सकते, हम फंस जाएगी, हाँ, और किस तरह भगवान भगवान करके निकले हम लोग, इतना खराब रास्ता, जहाँ देखो गड्ढी गुड्ढा खंडक, बजट नहीं, अरे चले भाग में तुम्हारी बजट जाए, दुनिया भर का त्यौहार और मंदिर और फलाना और ये, पहले मेन चीज मार्ग नहीं होगा तो विकास क्या करोगे। लेकिन अब जनता बोल, विद्यार्थी हम चलेगा मर रहे हैं, कान पकड़ा कोई घर तक नहीं आए है। तो यही एक एक चीज मैं दिखाता हूँ, अभी हम आधे घंटे तक और देखेंगे, कुछ पौधे हैं किसी समय उखा जहाँ लगा देंगे पकड़ लेगा, जब पानी रुके तो पांच निकालने वाला काम तुमको करना है, वहीं जाके किसी कोने में लगाना, और बाकी
चीकू के नीचे एक फेर ऐसा लगा दो, फिर जब पानी होगा नहीं रहेगा तब गोलाई करना और फिर पांच फैला देना, है ना, पेड़ को भयंकर ताकत मिल गया। तो ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। मैं हर कंडीशन में दिखाता हूँ, बचवा पहुँचता हूँ। आधे घंटा पौन घंटा हुआ हमको भीगते हुए, अभी आधा घंटा पौन घंटा मौल भीगे, भूख कैसी कैसी, पेट जितने ही खाली रखोगे उठे तुम बड़े बड़े रोगों से, अब हाथ में उल्टा, अरे कहीं भूखे हैं यही मारे तो कमजोर रहो, कमजोरी तो बुखार नहीं छोड़ी, क्या देखो कमजोरी आएगी तो बुखार नहीं छोड़ेगी, लिहाजा बुखार में पीते रहो, अंग्रेजी दवाई से उतारते रहो, और उसी में जरा डिसबैलेंस हुआ तो दिमागी बुखार और जय सीताराम किसी में मौत आती है। परहेज बताओ, हर अस्पताल में लिखा होना चाहिए एक डॉक्टर केवल परहेज बता दो, किसी डॉक्टर कंपाउंडर फ्रेंड को बैठा दो, केवल वो परहेज बताओ, भैया डॉक्टर क्या खाएं तो यह तकलीफ, वो आपको परहेज बताएगा, नोट करो चले आओ, सिस्टम से काम करोगे तो बड़े बड़े काम बनेंगे, है कोई सिस्टम, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बम से उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन नहीं भैया नेतागिरी से मतलब नहीं, नहीं बस इनको हराओ, इनको जिताओ, इनको पटको, इनको पटको, ये आदमी की जिंदगी है, है ना, कोई स्वामी बोल रहा है, अब देखा आज तो लोगों को मर जाना चाहिए कि जो है तो हम कब में पानी भरा है तो हम ही को देखा ही पड़ता है, है? गोविंद सिंह का आपने देखा कितनी बड़ी वो लौका तपस्या कर रहा है, क्या होने का बेटा दुनिया के बात मनना ना, थोड़ा बहुत कोशिश करना बस, बाकी हनुमान जी तेरे साथ में है, तेरे घर में वो चमत्कार होगा जो कभी तूने देखा नहीं होगा। वाली को विश्राम देता हूँ, जय श्री राम का, जय श्री राम का, जय श्री राम का।